आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान के नुस्खे पूरे संसार के लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं और वो हमसे ईमेल के जरिए अपने प्रश्न भी पूछ रहे हैं और हमारे वैद्य उनकी समस्याओं का समाधान भी उनको बता रहे हैं। कुछ लोगों का ईमेल आया है जिसमें उन्होंने मटर के फायदों के बारे में पूछा है। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं, लोगों ने अपने गर्म कपड़े संदूक और अलमारियों से निकाल लिए हैं। सर्दियां आते ही मटर की एंट्री भी बाजार में हो चुकी है। मटर स्वाद में तो अच्छी होती ही है, साथ ही सेहत के लिए भी बेहतर मानी जाती है। मटर एक सब्जी है और ये बेल पर लगती है। इसे पकाकर और कच्चा दोनों तरह से खाया जा सकता है। कच्ची खाने में मीठी लगती है। मटर सर्दी के मौसम में ज्यादा मिलती है और लोग इसे गर्मी के लिए सुखाकर भी स्टोर कर लेते हैं। मटर में बहुत से गुण होते हैं, तो आइए अब जान लेते हैं इसके गुणों और फायदों के बारे में। नंबर एक, इसका फायदा है हरी मटर में फाइबर होता है, तो अगर वजन घटाना आप चाहते हैं तो इन सर्दियों में जमकर हरी मटर खाएं। आपका वजन बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? जी हाँ, सही समझा, घटेगा। नंबर दूसरा फायदा हम आपको बता देते हैं, सर्दियों में हर किसी का सुस्ती से सामना होता है, तो इसे बचने के लिए खूब मटर खाएं। मटर में कैरोटीन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुरंत शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा फायदा है, मटर में फॉलिक एसिड होता है जो गर्भवती महिलाओं को भी पोषण देता है। चौथा फायदा नोट कर लीजिए कि सर्दियों के समय में हाथों में होने वाली सूजन को दूर करने के लिए हरी मटर को पानी में उबाल लें या फिर इसका काढ़ा बनाकर हाथों को इसमें डालें तो आपकी सूजन जरूर कम हो जाएगी। नंबर पांचवा फायदा है, महिलाओं में पीरियड्स की समस्या होने पर यह फायदा पहुंचाती है हरी मटर। छठवां फायदा आप नोट कर लें, हरी मटर में प्रोटीन और उच्च फाइबर होता है, साथ ही शुगर को नियंत्रित भी करता है। अगर डायबिटीज है तो आप हरी मटर खाएं, डरे नहीं, खाएं, जमकर खाएं, हरी मटर खाएं। सातवां फायदा आप नोट कर लीजिए, मटर में कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल शुगर पाया जाता है जो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। मटर खाने से जवानी बरकरार रहती है। जी हाँ दोस्तों, मटर की फलियों को भूनकर उनके दानों में संतरे के छिलके मिलाकर दूध में पीसकर फेस पर लगाने से भी त्वचा में निखार आ जाता है। तो आप एक तरफ जवानी बरकरार रखिए, दूसरी तरफ त्वचा को भी निखारिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ हरी मटर खानी होगी। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान आपको सलाह देता है कि आज पास की सब्जी मंडी जाइए और जल्दी वहां से मटर खरीद कर लाइए, क्योंकि आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है। उसमें बताए गए नुस्खे एक्सपर्ट की राय के मुताबिक होते हैं। अपने जीवन को निरोग बनाने और आयुर्वेद और प्रकृति में छिपे गहरे राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।